गाइस, मैं लेकिना, मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगर देविना में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और कोविड-19 की दो जो वैक्सीन की डोज है मैं लगा चुकी हूँ। अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है गार्डनिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से पर्सन हैं जिन लोगों को राधा चूड़ा कृष्ण चूड़ा जैसे प्लांट्स लगाना बहुत पसंद होता है, लेकिन घर के सामने इतना जगह नहीं बचता है कि इस जैसे प्लांट्स को लगाए, और पॉट पे भी इस जैसे प्लांट को लगाना बहुत इजी नहीं है। बहुत केयर की ज़रूरत है और बहुत बड़ा स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी प्लांट के बारे में बात करूंगी। आप अगर राधा चूड़ा कृष्ण चूड़ा जैसे प्लांट्स को लगाना पसंद करते हो तो इस प्लांट को आप लगा सकते हो। इसके लिए बहुत बड़े स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है और पॉट में भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाता है। उस प्लांट का नेम क्या है, किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए, सारी बातें आगे मैं वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगी, अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है, आप मेरी वीडियो देखते हो लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना आप मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप अपडेटेड रह पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये है गुलमोहर प्लांट। इस प्लांट के बारे में ही मैं आज बात करूंगी। गुलमोहर प्लांट की साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेजिया। गुलमोहर प्लांट के जो फ्लावर, ये पीले या लाल या पीले लाल मिक्स कलर में होते हैं। ये है मेरी गुलमोहर प्लांट। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं और बड्स भी बहुत सारे हैं, मतलब और भी फ्लावर्स खिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है, ये सीज़न है गुलमोहर प्लांट का ही सीज़न, मतलब समर में इसकी फ्लावरिंग होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिलना स्टार्ट होता है, लेकिन जब विंटर आना स्टार्ट हो जाता है तो तब इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाता है, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड है। इस प्लांट की ग्रोइंग भी इस समय बंद हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लगता है इस प्लांट को दिखने में। मुझे गुलमोहर की प्लांट्स बहुत ही पसंद था, मैंने इसे सीड के मदद से ग्रो किया है। आप भी सीड के मदद से ही ग्रो कर सकते हो या कटिंग से भी इसे ग्रो करना बहुत ही इजी है। घर पेंट करने का जो डब्बा मिलता है, एक खाली डब्बे में मैंने इस प्लांट को लगाया है, तो इससे आप समझ सकते हो 8 इंच या 12 इंच के पॉट में भी आप बहुत ही इजीली इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छे से ग्रो कर चुका है और भी ज़्यादा ये बड़ा होगा, लेकिन मुझे लगता है और ज़्यादा ग्रो इस सीज़न में नहीं होगा, क्योंकि विंटर आने वाला है, इसके बाद इसकी ग्रो एकदम से स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा ये ग्रो कर चुका है। इस प्लांट के लिए आपको ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। शेमी शेडेड एरिया में ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है, तो जहाँ सनलाइट आता है एटलीस्ट 6 आवर की धूप इस प्लांट को चाहिए, तभी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। ग्रोइंग सीजन में मैं इस प्लांट को महीने में एक बार NPK, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम देती हूँ, और 15 डेज के अंदर एक बार एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अगर वर्मी कंपोस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है तो गोबर की खाद मैं देती हूँ। तो आप देख रहे हैं NP का जो मिश्रण है, ये NPK 2020 या 1990 नहीं है। बाज़ार में जो एकदम खुला मिलता है वही मैंने परचेस किया है। इसमें आप 3 कलर देख सकते हो, एक ब्राउन कलर है, ब्राउन ये जो ब्राउन कलर है ये है पोटाशियम, वाइट कलर जो है ये है नाइट्रोजन, और एकदम वाइट वाला जो एकदम क्या पाउडर फॉर्म में है इसको कहते हैं फॉस्फोरस। तो इसकी जो मिश्रण है मैं थोड़ा थोड़ा करके हर प्लांट में डालती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको बनाया है। आपको अगर सिर्फ गुलमोहर की प्लांट में ही देना है तो आप बहुत ही कम मात्रा में बनाइएगा। अब बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। इस प्लांट में ज़्यादा पानी आप मत डालना। अगर विंटर है, रेनी सीजन है, तो वीक में एक बार पानी देना है। अगर समर सीजन है तो आपको देखना होगा
एक से दो इंचेस ड्राई हुआ है या नहीं। अगर ड्राई हुआ है तभी आप इस प्लांट में पानी देंगे। कभी कभी होता है कि ऊपर के लेयर ड्राई हो जाते हैं लेकिन अंदर गीले रहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप पानी मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी देने से इस प्लांट की जो लीफ है येलो हो सकता है। मेरी प्लांट की भी कुछ कुछ लीव्स आप देख सकते हो कि येलो हो चुका है। अब इस प्लांट की जो हाइट होता है तो ये 24 इंचेस और स्प्रेड मतलब ये फैलता है 5 इंचेस तक। आप नर्सरी से अगर इस प्लांट को ख़रीदते हो तो जब आप ख़रीद के ले आते हो उसके 2-3 दिन बाद आप रीपॉटिंग मत करना। एटलीस्ट 1 से 2 वीक आप रुक लेना और उसके बाद आप इसको रीपॉटिंग करना। इससे ये प्लांट की मर जाने का चांस कम हो जाता है। अब थोड़ा सा NPK मैं मिट्टी में डाल रही हूँ और उसके बाद गुड़ाई कर दूँगी। गुड़ाई करने के बाद पानी देना है, लेकिन घर के अंदर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जब इस प्लांट को मैं बाहर बालकनी में फिर से रखूँगी तब इसमें मैं रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी डाल दूँगी। NPK देने के बाद पानी देना ज़रूरी है। आप पानी में डिजॉल्व करके भी NPK को दे सकते हो। अगर आपके पास NPK नहीं है, DAP है, तो भी आप महीने में एक बार ज़रूर देना। इससे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है, फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होता है। अगर मिट्टी फर्टाइल मिट्टी है तो ही प्लांट अपना जो फूड है वो अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाता है और इसके कारण प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होता है और फ्लावरिंग भी अच्छे से हो जाते हैं। गुलमोहर प्लांट के लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत है। आप इस प्लांट को घर के सामने भी लगा सकते हो। अगर घर के सामने आप मिट्टी में इसे लगाते हो तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छे से होगा और बड़ा होने के बाद अम्ब्रेला पैटर्न में ये दिखने को लगेगा, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, लेकिन कभी कभी कटिंग से ग्रो करना सक्सेसफुल नहीं होता है, तो बहुत ही इजीली आप सीड्स के मदद से इसे ग्रो कर सकते हो। आप जब सीड को लगाएंगे उससे एक दिन पहले आप थोड़ा इसे भिगो के रखना और उसके बाद आप इसे लगा देना, तो बहुत ही ईजिली 1 महीने में ही ये प्लांट ग्रो कर जाता है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में आप लोगों से मैं फिर से मिलूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा।